औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर बच्चे आपका 2 एक्सरसाइज आपके 2.1 क्वेश्चन पर बच्चे आपका 7 है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर का आपके पेपर में आएगा। 8 से 10 मिनट बच्चे आपके पास होते हैं हल करने के लिए। बच्चे क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लें। अगर आपके पास सी का स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 * ए का स्क्वायर माइनस बी सी एक्स है प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0 की हो, के रूट्स बराबर हो, तो बच्चों उनका मतलब है कि ये रकम जो आपके लिए इसके रूट्स बराबर है, रूट्स बराबर होने का मतलब होता है कि फर्क करने वाला फार्मूला जो आप लगाते हैं b का स्क्वायर माइनस 4 ac वो बराबर 0 के होता है। तो a की कीमत 0 होगी, यानी a 0 निकलेगा और a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब ये बराबर होगा 3abc के। जी बच्चों लिखते हैं सवाल। तो आपके है जी c का स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टू ए का स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए सी ये बराबर है बच्चों 0 के। तो फर्क करने का बच्चों फार्मूला आपका जो था बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी होते हैं, इसलिए ए बी सी हम पहले बच्चे निकालेंगे। ए बराबर आपके आ जाएगा एक्स के स्क्वायर के साथ जो एडिशन होता है वो आपका ए होता है, इसके साथ बी माइनस के 2 इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी सी ये बच्चों भी आपके आ गया। इसके बाद सी बराबर आपके आ जाएगा बी का स्क्वायर माइनस ए सी। तो अच्छा खुद ही लिखा है कि रूट्स बराबर है, रूट्स बराबर होने का मतलब है कि बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी फर्क करने वाला जो बच्चे आपके फार्मूला है ये बराबर है 0 के। या आप लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि फर्क करने वाला फार्मूला के ये बच्चे आप लिख सकते हैं, चूंकि रूट्स बराबर है लिहाजा बी का स्क्वायर फर्क करेगा बराबर होता है बी का स्क्वायर माइनस 4 एसी और ये बराबर है 0 के। तो बच्चों आपने किस फार्मूले में आपने सारी कीमतें दर्ज कर देनी है, तो बी की कीमत आपके पास है माइनस के 2 इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी सी इस होल का स्क्वायर है माइनस के 4 इंटू ए एक जगह पे आपका आ जाएगा सी का स्क्वायर माइनस ए बी बी का स्क्वायर आ गया माइनस के 4 इंटू ए और इंटू कीमत बचे आपके आ जाएगा सी की बी का स्क्वायर माइनस ए सी बराबर आपके है बचे 0 के। तो ये वाले बच्चे होल का स्क्वायर जो हमने लिखा है तो ये 2 का भी आपका अलहदा स्क्वायर बन जाएगा जो कि आपके क्लास के 4 हो जाएंगे। बाकी का बेहतर है कि बच्चे आप पूरा फार्मूला लगा लें। तो ये वाला आपका बन जाएगा पहले रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू पहली रकम और इंटू बचे आपका आ जाएगा दूसरी रकम माइनस के आपके पास 4 अंदर वाली रकमों को जरा दे दे इधर b का c इधर का है तो b का स्क्वायर c का स्क्वायर हो गया। अब c ac इधर का है तो आपका बन जाएगा ac का क्यूब ab को ऑब्जर्व देंगे माइनस तो a b b से इधर का है b की पावर 3 ये भी माइनस है ये भी मेरे साथ की प्लस हो जाएगी तो ये आपके बच्चे आ जाएंगे a का स्क्वायर bc और बराबर बच्चों आपके है 0 के। इस तरह बच्चे आपने बराबर के अलावा तो नहीं लगानी और उसी तरह ये आपका 4 * a की पावर 4 प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस के 2 आपके आ गए * a का स्क्वायर ये आपका bc है माइनस के बच्चे आपके पास है 4 4 को मल्टीप्लाई कर दे तो आपके b के d का स्क्वायर c का स्क्वायर आगे आपका आ जाएगा प्लस 4 4 ac का क्यूब प्लस ये माइनस है ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी 4 ab का क्यूब माइनस 4 से मल्टीप्लाई तो आपका माइनस हो जाएगा 4 a का स्क्वायर bc और बराबर बच्चों आपके पास है 0 के। ये तक बच्चे ब्रैकेट भी है क्योंकि ये पहली रकम थी आपकी दूसरी रकम थी और ये वाली आपकी तीसरी रकम थी और बच्चे आपके 4 भी है। आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 4 a की पावर 4 प्लस 4 b का स्क्वायर c का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो बच्चे आपके तो आपके पास आ जाएगा 8 a का स्क्वायर bc माइनस का 4 b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 4 ac
का क्यूब प्लस फोर ए बी का क्यूब माइनस के फोर ए का स्क्वायर बी सी बराबर बचे आपके पास है जीरो। अब बच्चे इसमें से अगर को पढ़ती है देख लेते हैं जी, ये आपके पास है फोर ए का स्क्वायर फोर ए की पावर फोर, ये आपके पास है फोर बी सी और ये वाला बच्चे आपके प्लस का और इस तरफ भी आपके पास फोर बी सी, तो ये वाले आपके कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास बचे रहेंगे आठ ए का स्क्वायर बी सी और इस तरफ भी आपके पास है फोर ए का स्क्वायर बी सी, तो बच्चे ये भी माइनस के और ये भी माइनस के आपस में आपके जमा हो जाएंगे, तो आपके पास है बारह ए का स्क्वायर बी सी। अब आपके पास रह गए फोर ए सी का क्यूब और रकम नहीं है, एक ही रकम है, इसको हम लेकर लेंगे फोर ए सी का क्यूब और यह भी आपके पास है प्लस है प्लस फोर ए बी का क्यूब और बराबर बच्चे आपके पास है जीरो। तो सारी रकम में आपके बच्चे चार पाँच चार ए आप कॉमन ले सकते हैं, चार ए कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास रह जाएगी की पावर तीन या क्यूब रह जाएगा। इसमें से आपने कॉमन लिया तो बाकी बच्चों आपके पास रह गए ए का क्यूब माइनस के अलावा है तो यह भी आपके आ जाएगा जी। बच्चों ए का स्क्वायर आपने कॉमन आ गया फोर ए आपका कॉमन आ चुका है तो बाकी आपके पास रह गया ए बी सी और इसमें आपके पास प्लस है फोर फोर से आपके पास बाकी ए के लिए भी बच्चे कॉमन आ चुके हैं आपके पास रह जाएगा सी का क्यूब और आगे फोर है बच्चे पहले कॉमन आपके पास निकल चुका है बाकी आपके पास रहेगा बी का क्यूब और बराबर बच्चे आपके पास है जीरो। तो अब फोर है ये भी आपका जीरो के बराबर हो जाएगा और इसी तरह आपके पास है ए क्यूब माइनस सी ए बी सी प्लस सी का क्यूब प्लस बच्चे आपके पास है बी का क्यूब ये भी आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। आपने बच्चे साबित करना है जीरो के बराबर होता है कि नहीं तो ये बटा चार कर दें अगर इस तरह भी बटा चार तो चार चार से कट जाएगा तो उस तरह ए बच्चों आपका बराबर आ जाएगा जीरो के और इसको तरतीब में अगर दी जाए तो बच्चे आपके पास है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस आपका सी का क्यूब आ गया तो ये थ्री अभी सी माइनस का है इसे मुझे राइट साइड में ले जाए तो आपका प्लस का हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा प्लस थ्री ए बी सी। तो इस तरह बच्चों आपका दोनों के दोनों आंसर जो उन्होंने पूछे हैं कि रूट्स बराबर है तो आपने सिर्फ साबित ये करना है कि आया कि ए बराबर जीरो के निकलते हैं यानी या थ्री ए की ए का ए का ए की पावर तीन प्लस बी की तीन प्लस सी की तीन बराबर ए थ्री ए बी सी के आता है ये नहीं आता। तो बच्चों हमने साबित कर दिया है कि वाकई ही अगर रूट्स बराबर हो ये सब बात आपके पास जो दी गई है तो इसमें ए बराबर जीरो की होगा और बाकी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर होगा थ्री ए बी सी का। तो बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में बहुत ज्यादा आपके आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।